तो कंक्लूड कर लेते हैं, आपके पास इस टेबल में स्टार डाल रहे हैं, आप जब रिविजन करोगे तो इसी टेबल पर पहुँच जाओगे। तो फर्स्ट कॉलम आपके पास, पहले सुन लेंगे, आपके पास पहला कॉलम जो रहने वाला है वो इंटरनल पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर रहेगा, फर्स्ट कॉलम। सेकंड जो कॉलम रहेगा कॉमन एमिटर विदाउट आयरन रहेगा, थर्ड कॉलम कॉमन एमिटर विद आयरन रहेगा, फोर्थ कॉलम कॉमन कलेक्टर रहेगा, और फिफ्थ कॉलम क्या रहेगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर। कितने कॉलम में डिवाइड होने वाले, फाइव, क्लियर, फाइव कॉलम। सभी में स्पेस आप बराबर रखना चाहते हो, बिल्कुल रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो फाइव कॉलम में डिवाइड करना है आपके पास। इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, और आप कैसा अप्रोक्स हाइब्रिड मॉडल के रिजल्ट लिख रहे हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल, सब अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल। अगर इंटरनल पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर है, जैसे मैं करंट गेन की बात करूं एआई, और मैं टू पोर्ट करंट के टर्म्स में लिखता हूं माइनस आई टू बाई आई वन, अगर मैं लिखता हूं आपके पास कि आर आई की वैल्यू जो होता है इंटरनल इनपुट वोल्टेज अपान इंटरनल इनपुट करंट आई वन, वी टू बाई वी, किसी भी एम्पलीफायर के लिए हो सकता है। आर नॉट इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं आपके पास कि वी टू अपान आई टू, तो वी डी सी अपान आई डी सी एक्चुअली व्हेन वी एस इक्वल टू जीरो, जब कॉमन एमिटर विदाउट आ रही आता है आपके पास, तो इंटरनल करंट गेन का जो आंसर होता है माइनस आई सी अपन आई भी होता है, जिस रिजल्ट को आप माइनस एच एफ ही बोलते हो। जो आर आई का आंसर होता है आपके पास एमिटर ही ग्राउंड होता है, तो वी बी अपन आई बी, जिसके आंसर को आपके पास हम बोलते हैं एच आई, और जब फिर ए वी की बारी आती है आपके पास, तो ए वी इक्वल टू वी नॉट अपन वी आई लिख देते हैं हम लोग, जिसका रिजल्ट हो जाता है ए आई आर एल डेज, तो आर एल डेज डिवाइड बाई आर आई। तो आर नॉट की वैल्यू, इंटरनल आउट इम्पिडेंस की वैल्यू इन्फाइनाइट, ए आई की वैल्यू माइनस आई सी अपन आई बी, सेम आंसर माइनस एच एफ ई, आर आई का आंसर एमिटर ग्राउंडेड, इस बार एमिटर ग्राउंड नहीं होता, वी बी एन लिख देते हैं हम लोग, वी बी एन अपन आई बी कितना होगा, एच आई ई प्लस, यहाँ पे ए वी का आंसर ए आई आर एल डी एस अपन आर आई, तो माइनस एच एफ ई आर एल डी एस अपन एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, और इसमें थोड़ा स्पेस आपके पास यहाँ पर रखना है, अप्रोक्सीमेट माइनस आर एल डी एस अपन आर ई, आर नॉट की वैल्यू इन्फाइनाइट।
क्लियरली रिजल्ट लिखा आपके पास, इंजीनियर रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सिर्फ उसके पता होने से अनलॉक सर्किट नहीं बनेगा, ये आपको पता चल चुका है। क्लियर? पेज पे आपके पास हाईलाइटर मार्क रहना चाहिए आपके पास, ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसका मतलब है कि कभी आप रिवीजन करते समय आपके पास बस टेबल का हेडिंग लिखे और ट्राई कर सोचने का आपके पास देख रहे कि आपको कितना याद है करके। एक बार रिजल्ट वाइज कंसेप्ट तो हम जान ही रहे आपके पास कि एक एक वन बाई वन हम देख ही रहे, बट कभी आप कॉपी में आप चेक कर रहे हो कि आपके पास रिजल्ट कितने याद है। तो रिजल्ट जब भी आप जब भी रिजल्ट के बारे में सोचे आपके पास, तो माइनस एच भी ना सोचे, आप सोचे कि करेंट क्या रेस होता था, क्यों कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर में करेंट रेस लगे। तो माइनस एच से जितना ज़्यादा फोकस आप इस पर आसान होगा। तो जितना अभी तक हम पढ़े, आप मान सकते हो हम अपनी क्लास की बात करें, तो जितना हम पढ़े ये हमारा एक पार्ट ए हुआ। नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करने वाले, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एम्पलीफायर का फर्स्ट पार्ट हुआ है। यहाँ पे स्पेस वगैरह प्रॉपर आपके पास मैनेज कर लेना है। एचआई प्लस वन प्लस एच भी आरएलडीएस, ये आपके पास आ रही कॉमन एमिटर बिता रही कॉमन कलेक्टर आपके पास, तो आरएलडीएस आ रही बन सकते हैं, हम क्यों लिखें? क्लियर? तो हमको आ रही नहीं लिखना चाहिए कभी भी, एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो इसमें से क्या मैं बोलूँ, अगर मैं से कोई बोले कि इंपॉर्टेंट क्या क्या आपके पास, वैसे तो इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं है मेरे को, बट फिर ये आ रही इसका आर नॉट वो आ रही आर नॉट कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पिडेंस, ये वाला इनपुट इम्पिडेंस और वोल्टेज गेन का जनरलाइज रिजल्ट जी। वोल्टेज का चेंज नहीं किया मैं, हर बार AIR लिखा। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास क्या लिख दिया क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना था कि माइनस RLDS अपन आ रही कैसे होता होगा, इसलिए। अदरवाइज तो AIR LDS अपन आ रहा ही आंसर है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो यूनिटी गेन क्यों ना बन जाए। तो कॉमन कलेक्टर का इंटरनल आउटपुट इम्पोर्टेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, कॉमन बेस का इंटरनल इनपुट इम्पोर्टेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होगा।